प्रदेश के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने आज घर घर औषधि योजना और वन महोत्सव का शुभारंभ किया है वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत विभागीय अधिकारियों के साथ तमाम जिला मुख्यालयों पर जुड़े और विभिन्न निर्देश भी दिए गए, जिससे कि आम जनता को राहत मिल सके। अजमेर में शुभारंभ के मौके पर संभागीय आयुक्त वीणा प्रधान, कलेक्टर प्रकाश राजपुरोहित, वन विभाग के साथ ही अन्य अधिकारी मौजूद रहे। क्षेत्रीय वन अधिकारी महेश चंद्र ने बताया कि मुख्यमंत्री द्वारा घर घर औषधि योजना और वन महोत्सव का शुभारंभ किया गया है। ऐसे में संभाग स्तर पर 80 लाख परिवारों को औषधि के पौधे वितरित किए जाएंगे। इसके साथ ही मानसून को ध्यान में रखते हुए अलग अलग स्थानों पर पौधारोपण कार्यक्रम आयोजित कर वन महोत्सव का शुभारंभ भी किया जाएगा, जिसकी तैयारियां आज उपखंड स्तर पर कर ली गई है। आज माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा ये घर घर औषधि योजना का शुभारम्भ और 72वें वन महोत्सव का शुभारम्भ किया गया है। उसके संबंध में ही सभी जिलों में माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा जयपुर से संबोधित किया गया था और इन दोनों योजनाओं का आज शुभारंभ किया गया है। इस योजना के तहत हमारे अजमेर संभाग में इस वर्ष लगभग 80 लाख औषधीय पौधों का वितरण किया जाएगा और आज से ये अभियान हम संभाग के लगभग सभी ब्लॉक स्तर पर औषधीय पौधों के वितरण के प्रारंभ के साथ प्रारंभ कर रहे हैं। इसके अलावा अजमेर में CRPF में हम वन महोत्सव आयोजित कर रहे हैं, जो बस अब यहाँ से वहीं के लिए रवानगी है और वहाँ से हम इसका शुभारंभ करेंगे। खबर की हो सत्यता हो या खबर की अनकहीं दास्तां, होगी सच्चाई की वापसी। SKV News, सच्चाई की वापसी।